नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि टिथोनिया के सीड्स किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं। तो टिथोनिया बहुत ही हार्डी प्लांट है और जहाँ जहाँ इसके सीड अपने आप गिर जाते हैं तो न्यू न्यू प्लांट जो है तैयार होते रहते हैं। तो ये मेरे गार्डन में खिलते हुए आप टिथोनिया देख रहे हैं और कई सारे ऐसे हैं जिनमें सीड्स तैयार हो गए हैं, कई फूल बहुत सारे खिल रहे हैं और कई ये अब खिलना स्टार्ट हुए हैं। तो नेट के नीचे भी छनती हुई धूप में रख सकते हैं। बस यही छनती हुई धूप में ये डर लगता है कि मिली बग्स इन पर बहुत जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि मुझे इनका एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी तो ठीक है, बट फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब छाया वाली जगह ज़्यादा मिलती है और घने प्लांट्स रखे जाते हैं तो मिली बग्स का जो अटैक है बहुत जल्दी होता है। तो जब आप इनके सीड्स बनाना चाहते हैं तो जब फूल सूखने लगे तो उसको तोड़े नहीं, प्लांट पे ही सूखने दें। और सूखने के बाद फूल फिर कुछ इस तरह से होगा और इसके बाद फिर और ज़्यादा थोड़ा ड्राई नज़र आने लगेगा। जब फूल कुछ इस तरह से नज़र आने लगे, जहाँ फिर थोड़ा सा इनसे पहले भी चुन सकते हैं, इनमें से फिर कई सारे जो सीड्स हैं वो निकल जाते हैं तो गिर जाते हैं नीचे, तो थोड़ा सा पहले भी इनसे चुन सकते हैं। तो इसके कई सारे जो सीड्स वो निकल चुके होंगे तो इनमें सीड भरे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैंने ये देखा है कि सीड अच्छे से तैयार नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से इसको तोड़ना है, इसके कांटे होते हैं ये चुभते हैं, ये ऐसे इस तरह से। तो ये देख रहे हैं, ये इसके जो सीड हैं ये हैं, ये सनफ्लावर की तरह ही ये टिथोनिया के सीड्स, ये भरे हुए छूने से ये मोटे नज़र आए, ये अच्छे सीड होते हैं। और जो सीड खाली नज़र आए, सीड तो बाहर से बने हों पर छूने से बिल्कुल खाली हों, तो ये पूरे ही बने हुए हैं। ये कुछ जड़ भी गए होंगे और इस टाइम ये पूरे ही ये बने हुए हैं, ऐसे ही झाड़ने हैं बस, ये पीछे से लेके ये इस तरह से ये ऐसे, ये देखो जड़ रहे हैं ना सीड इसके टिथोनिया के। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे और ज़्यादा गर्मी में मेरे ये एस्टर के फ्लावर्स ये देखिए कैसे हो गए हैं, इस तरह से ये हो गए हैं, पर फिर भी ये खूब अच्छे से अभी खिल रहे हैं। तो टिथोनिया इतना हार्डी प्लांट है कि इसके जो फ्लावर्स हैं पूरा साल भर, कुछ कुछ टाइम के बाद आप लगाते रहिए सीड अपने आप पर, जहाँ कहीं कहीं गिरा दीजिए तो ये होते रहते हैं और पूरा साल भर इसके फ्लावर जो हैं बने रह सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।